Good morning, students. Today we will do the first chapter of Unit 7, Harvatha. Harvatha. Who is Harvatha? Here is the introduction about Harvatha. Harvatha was a young red Indian boy. Harvatha ek उत्तरी अमेरिका का छोटा लड़का था। He lived with his old grandmother Nokomis in a wigwam। वह अपनी बूढ़ी दादी माँ Nokomis के साथ एक झोपड़ी में रहता था। बच्चों wigwam होता है आदिवासियों की झोपड़ी। Nokomis taught Hiawatha about the wonders around them। Nokomis ने Hiawatha को उसके चारों ओर क्या क्या वंडर्स, क्या क्या आश्चर्यचकित बातें हैं उसके बारे में बताया। She told him about the stars, the trees, the insects, the birds, the animals and many other things. उसने उसे तारों के बारे में, पेड़ों, इंसेक्ट्स होते हैं कीड़े मकोड़ों, पक्षियों, जानवरों और बहुत सी दूसरी चीजों के बारे में बताया। Hiawatha grew up to love them all. Hiawatha उनको प्यार करते हुए ही बड़ा हुआ। Grew up बड़ा हुआ। He could talk to the birds and animals and they to him. वह पक्षियों और जानवरों के साथ बात कर सकता था और वे भी उसके साथ बातचीत करते थे। अब आपको पता चला ना कि Hiawatha कौन था? एक छोटा रेड इंडियन बॉय, उत्तरी अमेरिका का एक लड़का था छोटा। उसके बारे में ये पोएम है। अब हम पोएम डिसाइड कर लेते हैं। Then the little Hiawatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nest in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them. Call them Hiawatha's chickens. Of all beasts, he learned the language, learned their names and all their secrets, how the beavers built their lodges, where the squirrels hid their acorns, how the reindeer ran so swiftly, why the rabbit was so timid, talked with them whenever he met them, called them Hiawatha's brothers. इसके जो पोएट हैं वो हैं एस डब्ल्यू लॉन्गफेलो। आपने इसको अच्छे से याद रखना है। इसके पोएट हैं एच डब्ल्यू लॉन्गफेलो। अब ही इस पोएम को हम हिंदी में अंडरस्टैंड करते हैं। Then the little Hiawatha, तब जो छोटा Hiawatha था, learned होता है सीखना, of every bird its language, language होता है भाषा, हर पक्षी की भाषा वह जानता था, learned their names and their secrets, secrets होता है उसके भेद, उसके रहस्य, उसकी गुप्त बातें, उनके पक्षियों के नाम और उसके जो रहस्य थे उसका भी उसे पता था। How they built their nests in summer? गर्मियों में वे अपने घोंसले कैसे बनाते हैं? Where they hid themselves in winter? सर्दियों में वे अपने आप को कहाँ छिपाते हैं? Talked with them whenever he met them? Whenever होता है जब कभी भी, जब कभी भी वह उनसे मिलता था, उनसे बातें करता था। Called them Hiawatha's chickens. चिकन्स क्या होता है? चूजे। वह उनको Hiawatha के चूजे बुलाता था। Of all beasts, he learned the language. Beast होता है जानवर। वह सभी जानवरों की भाषा सीख गया था। Learned their names and all their secrets. वह उनके नाम और सारे उनके रहस्य जानता था।
हाउ द बीवर्स बिल्ट देयर लॉजिस, बीवर्स होता है ऊदबिलाव, ऊदबिलाव किस प्रकार से अपना घर बनाते हैं, लॉजिस घर। वेयर द स्क्वेल्स हिट देयर एकॉर्न्स, स्क्वेल्स गिलहरियां अपने एकॉर्न्स होता है बलूत के फल या बाण के बीच, गिलहरियां अपने बलूत का फल कहाँ छिपाती हैं। हाउ द रेंडियर रैन सो स्विफ्टली, रेंडियर को हम बारहसिंगा भी बोलते हैं, स्विफ्टली बहुत तेजी से, रेंडियर किस प्रकार से इतनी तेजी से दौड़ते हैं। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, खरगोश इतना डरपोक क्यों था। टॉक्ड विद देम व्हेनेवर ही मेट देम, जब भी वह उनसे, व्हेनेवर होता है जब कभी भी, जब कभी भी वह उनसे मिलता था उनसे बातें करता था। कॉल देम हायवाथास ब्रदर्स, वह उन्हें हायवाथा के भाई कहकर पुकारता था। बर्ड्स को क्या बोलता था हायवाथा, हायवाथा चिकन, और जो बीस थे जानवर थे उन्हें वह कहता था हायवाथास ब्रदर्स। अब बच्चों आपने इस पोइम की रीडिंग करनी है और जो न्यू वर्ड्स हैं उनको अपनी नोटबुक पे लिखना है, उसके मीनिंग भी लिखने हैं और फोटो खींचकर अपने टीचर को सेंड करनी है। थैंक यू।